परदेशी देवदास। कौन सा गांव? धारा से। जी, क्या समस्या है आपने? हमारी यहाँ गरवा गाय बहुत है सर। जी, गरवा गाय हवे, कांदे उस भी नहीं है, गौठान भी में अभी घेराव नहीं हुए हैं, और गरवा गाय परेशान हो, धान हो गए लुए के लिए, अब गरवा गाय बहुत 50-60 गरवा यहाँ पहुँचा थे रोज। तो एकर लिए आप मन का करते जिसे? गांव वाला मन पूरा उसरी लगे सर, 10-50 झीन 60 झीन गांव में पूरा किंजरा थे वे, ओकर बाद जंगल में खेते सर वाला। जी, शुभ नाम बताएंगे अपना? जी, मैं श्री बंसीलाल चला, ग्राम पंचायत धारा सिंह, सरपंच पद में हूँ। जी हाँ, आपके ग्रामीणों का कहना है आपके ग्राम पंचायत में यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं बनी हुई हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत समस्या बना हुआ है, ये 10 साल से हमारे यहाँ समस्या है। फिलहाल तो हमारे ये अपना पंचायत भवन जो जर्जर दिख रहा है, आप देख रहे हो, स्वयं देख लो जी। इसका अनुशंसा हुआ था होने के लिए, लेकिन वो भी 10 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। यहाँ तो बैठने के लायक नहीं है पंचायत में। स्वास्थ्य के लिए आप लोग क्या करते हैं? ये स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ है, लेकिन वहाँ नर्स नहीं है, और डिलीवरी के लिए हम लोगों को यहाँ 10-10 किलोमीटर लवन जाना पड़ता है, वो भी फोन लगाने के बाद कभी लगते हैं कभी नहीं लगता, और वहाँ जाने के बाद भी कई केस को रखते हैं, कई ऐसे केस हो जाते हैं जिसको बलौदा बाजार जिला अस्पताल रिफ़र कर दिया जाता है, और फोन लगाने के समय अगर स्थिति ख़राब रहता है, लग गए तो ठीक, नहीं लगे तो अपरी होने की चांस रहता है। आपके यहाँ कुछ भवन अधूरा सा दिखा है, उसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, एक भवन है यादव भवन करके, लेकिन वो पिछला कार्यकाल में है, किस कारण लटका हुआ है उसको अधिकारी लोग समझेंगे। अभी आप लोग मवेशी के लिए क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ किसानों की कुछ शिकायतें थी कि हमारे यहाँ मवेशी की देख रेख में भारी दिक्कतें हो रही हैं, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ग्राम पंचायत की दृष्टिकोण से? हाँ, देखिए क्या है, हमारे यहाँ गौठान की निर्माण सेक्शन किया गया है, लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है, और रेखा छोका के हिसाब से गौठान में तार, फेंसिंग तार की घेरा की ज़रूरत था, और किसान लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि फसल आने की दिन हो गया है, और हमारे गांव में जंगल होने के कारण बाहर के लोगों पूरा मवेशी छोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे भाई, शासन तो देख रहे हैं, जान रहे हैं, पूरा गांव के लोग एकजुट होकर के गाय गरवा जितना भी आते हैं अवैध उसको खदेड़ कर जंगल में फिर खेदते हैं, लेकिन गांव पूरा परेशान है, डेली के डेली 50-70 लोग गाय गरवा खदेड़ने में लगे रहते हैं। तो आप लोग इसके संदर्भ में और क्या किए या कुछ ऐसा विकल्प बनाए हैं क्या? अब ऐसा कोई विकल्प नहीं है, शासन तो बोलते हैं कि कांजी होश नहीं बनाना है, कांजी होश में गाय गरवा नहीं रखना है, और कहीं दूसरे गांव ले जाकर छोड़ना नहीं है, तो इस स्थिति में हम लोगों किसान लोग बहुत परेशान हैं। जी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, जो कोरोना काल में है, 3 माह से आज कोरोना काल से जूझ रहे हैं हम लोग, जूझे हैं, हमारे यहां 63 पॉजिटिव पाया गया था, और हमारे यहां आला अधिकारी कलेक्टर से लेकर निचली स्तर तक 3 माह से पूरा आवाजाही किए हैं, तो हमारे गांव की जो ये विकासित कार्यक्रम है उसको स्वयं अधिकारी लोग जान रहे हैं, तो किसके पास हम लोग आवेदन लगाते या लगाएंगे? अधिकारी को सोचना चाहिए कि इस गांव की नरेगा मरेगा में भी काम नहीं चले हैं, तो किसान गरीब मजदूर कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ में शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए,